दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब हमारे पास में दो वेबसाइट है, एक ब्लॉगर की वेबसाइट है और एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो इसी टाइप से आपकी कोई कोडिंग वाली वेबसाइट भी हो सकती है। तो अगर आपका कोई ब्लॉग है जो ब्लॉगर पर रन हो रहा है, तो ब्लॉगर पर अगर आप ब्लॉग को रन करते हैं तो वहां पर blogspot.com डिफॉल्ट आपका डोमेन होता है, और चाहो तो आप उस डोमेन को रिफ्लेक्ट करके या फॉरवर्ड करके अपने कस्टम डोमेन पर ले जा सकते हो। पर क्योंकि आपके पास में स्पेस नहीं है, आपने स्पेस ब्लॉगर का यूज किया है और आपकी जो वेबसाइट ब्लॉगर पर रन हो रही है blogspot.com के नाम से, उसी को आपने फॉरवर्ड करके आपके कस्टम डोमेन पर ट्रांसफर किया है, और कस्टम डोमेन जो आपने ले रखा है उसके साथ में आपके पास में कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि आपने जो ब्लॉगर की वेबसाइट है blogspot.com उसी को आपने रिफ्लेक्ट किया है, रिडायरेक्ट किया है www.xyz.com पर। अब आपके पास में वहां पर स्पेस नहीं है, तो आप ads.txt की फाइल आप वहां पर अपलोड नहीं कर सकते हो। तो इस केस में अगर आपको ads.txt फाइल को अपलोड करना है, या हमारा जो गूगल एडसेंस है वो ads.txt फाइल को क्लियरली विजुअलाइज कर पाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो यहां पर हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे रिमूव करोगे। अब यहां पर हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, जैसे ये मेरी कोई ब्लॉगर की वेबसाइट है, तो सबसे पहले मैं मेरे ब्लॉगर की वेबसाइट में चलूं। तो ब्लॉगर की वेबसाइट में एक्चुअल में क्या होगा, अगर हम सेटिंग में चलें, तो एक्चुअल में मेरा एड्रेस ये है। इस एड्रेस को मैंने क्या किया है, इस एड्रेस पर फॉरवर्ड कर दिया है। तो एक्चुअल में यहाँ पर कस्टम डोमेन ये है, तो ये जो साइड है ये एक्चुअल में www वाली साइड नहीं है, ये हमारा सब डोमेन है। और गूगल को सब डोमेन से मतलब नहीं है, उसको डोमेन चाहिए। एक्चुअल में एड्रेस आपका ये है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो भी आपकी वही वेबसाइट खुलती है। तो आपका एक्चुअल डोमेन जो है वो क्या है, यहाँ पर blogspot.com है, न कि आपने जो डोमेन परचेस किया है वो है। इसी डोमेन को आपने फॉरवर्ड कर दिया है आपके इस एड्रेस पर, और ये क्या है, सब डोमेन। जबकि गूगल को सब डोमेन से मतलब नहीं है, उसको आपके डोमेन से मतलब है। तो मेरे को जो फाइल अपलोड करनी है वो इस एड्रेस पे अपलोड करनी है। तो अगर आप अभी देखोगे, यहाँ पर मैं ads.txt दूँ तो यहाँ पर मेरी ये फाइल दिखा देता है। अब ये फाइल हमने कैसे अपलोड की है उसके बारे में हम पूरा देखते हैं। तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरे एडसेंस अकाउंट में रन करता हूँ। तो हम एडसेंस में लॉगिन करते हैं। एडसेंस में लॉगिन करने के बाद आपको साइट्स पे जाना है, तो यहाँ पर आपकी सारी साइट्स दिखाएगा, चाहे वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो मेरे को इस साइट के साथ में मेरा ads.txt फाइल ऐड करना है। तो यहाँ पर ads.txt फाइल डिटेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि ये फाइल मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपके क्या होगा, यहाँ पर एरर दिखाएगा, तो आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है। तो ये फाइल मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, मैंने कस्टम डोमेन के साथ में मेरा स्पेस ले लिया है। स्पेस आपको चीपली मिल जाएगा, स्पेस किस टाइप से आप लोगे उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो उस कोड के थ्रू आप जाओगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है जिसको मैंने होस्टिंगर से स्पेस लेकर क्रिएट किया है, उसके अंदर मैं मूव करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया और मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ये मूव कर गया है। अब हमको क्या करना है, अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ ads.txt फाइल ये यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, आप प्लगइन में जाइए और प्लगइन के बाद में ऐड न्यू, कौन सा प्लगइन आप यहाँ पर ऐड करोगे, यहाँ पर लिखिए ads.txt एंड देन इसको हम सर्च करते हैं। तो ads.txt मैनेजर, इसको आप इंस्टॉल कीजिए।
इंस्टॉल हो गया, इसको आप एक्टिवेट भी कर दो। ये एक्टिवेट हो गया, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप नीचे आइए और सेटिंग में चलिए, सेटिंग में ads.txt। अब यहाँ पर आपको वो कोड पेस्ट करना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया था और इसको सेव कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ sacademy.co.in/ads.txt। तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो कोड दिखा रहा है। तो इस टाइप से आप अपने कस्टम डोमेन के साथ में ads.txt फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो अभी आपने देखा कि आपके जो कस्टम डोमेन है उसके साथ में गूगल एडसेंस की आपको ads.txt फाइल को अपलोड करना है, तो उसको आप किस टाइप से करोगे। तो इसी टाइप से हम टाइम टाइम पर आपके लिए नए नए इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी हम हमारे कंटेंट अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।